Good morning, children. How are you all? I hope you're fine at your places. Okay, so let's start with today's lesson. Today we'll be doing the next unit, unit 6 of your book, Neha's birthday invitation. You all do birthday parties? क्या आप लोग सब घर में birthday parties करते हैं? Yes, करते हैं ना? तो क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं, snacks लाते हैं, cake लाते हैं, balloons लगाते हैं, decorate करते हैं घर को. एंड फिर अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी इंजॉय करते हैं. यस, बट वन मोर थिंग इज देयर जो हमें करना चाहिए. अपने अपने फ्रेंड्स को एक रिटन बर्थडे इनविटेशन भेजना चाहिए. कुछ बच्चे भेजते होंगे पर कुछ नहीं भी भेजते होंगे. हाँ, सो वी टुडे इन दिस लेसन वील रीड अबाउट दिस बर्थडे इन्विटेशन एंड वील सी हम इसे कैसे लिखते हैं. ओके चिल्ड्रेन, सो वॉट इज अ बर्थडे इन्विटेशन? इन्विटेशन मतलब न्योता. किसी को अपने घर बुलाने के लिए हम कुछ रिटर्न में कुछ कागज़ पे लिखकर उनको भेजते हैं कि आप उस दिन आइएगा, इस समय आइएगा. इस तरह से हम सब लिखते हैं. जैसे शादी का इनविटेशन आता है वैसे बर्थडे का भी इनविटेशन होता है. ओके चिल्ड्रेन, सो लेट्स स्टार्ट. सो सी व्हाट नेहा हैज रिटन, नेहाज बर्थडे इनविटेशन. नेहा ने लिखा, डियर अवनी, अवनी उसकी फ्रेंड है, माय birthday is on 25th July. Please come dressed as a vegetable fairy. There are many prizes and lots of games. My mummy is making a big cake and making some yummy snacks. Papa has invited a clown as well. We will have fun together. Do not miss it. Be there at 5. Love, Neha. नेहा ने इतना लंबा सेंटेंस लिखा है अवनी के लिए और सब मिक्स कर दिया है. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये केक मम्मा बना रही है या पापा बना रहे हैं या पापा ने क्लाउन लाया है या स्नैक्स बनाया है. तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है. हाँ, नेहा कुछ करना भूल गई है. सो लेट्स सी उससे क्या गड़बड़ हुई है. सो जब ये लेटर अवनी के पास पहुंचा, अवनी को कुछ समझ नहीं आया. इतनी लंबी लाइन थी, एक ही लाइन में सब चलता जा रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. क्यों समझ नहीं आ रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड इट कि क्या प्रॉब्लम है इसमें. प्रॉब्लम ये है कि ये इतना चलिए लेट्स रीड द नेक्स्ट. इसके नीचे जो लिखा है वो रीड करते हैं. अवनी कैनॉट अंडरस्टैंड द मैसेज. अवनी को ये मैसेज समझ नहीं आया, ये संदेशा समझ नहीं आया. इट्स सर्टेनली वेरी कन्फ्यूजिंग, इजंट इट? ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है. कन्फ्यूजिंग मतलब जिसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. कन्फ्यूजन होता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता है. तो अवनी को ये पढ़ के कन्फ्यूजन हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा है. ओ व्हाट इज रॉन्ग विद नेहाज दिस इन्विटेशन, इसमें क्या गलत है? तो बताइए, नेहा हैज फॉरगॉटन द पंचुएशंस. नेहा पंचुएशन लगाना भूल गई है. पंचुएशन होता है फुल स्टॉप. एक लाइन खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं. हमने सीखा है ना, व्हेन एक सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद फुल स्टॉप आता है. हाँ, तो वो पंचुएशंस लगाना भूल गई है. और उसने ये भी भूल गई है कि जब भी हम कोई लाइन शुरू करते हैं, न्यू लाइन, उसे हमेशा कैपिटल लेटर से, बिग लेटर से शुरू करते हैं. वो ये भी भूल गई है, दोनों चीज़ें भूल गई है. कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना भूल गई है और एंड में फुल स्टॉप लगाना भी भूल गई है. ठीक है, ओके. तो हम अब पहले उसका इनविटेशन कैसा होना चाहिए हम उसे अमेंड करेंगे. आपकी बुक में ये लिखा हुआ है पहले से, वी विल डिस्कस इट हियर. सो सबसे पहले डियर का डी बड़ा होना चाहिए, डियर. और अवनी, अवनी एक गर्ल का नाम है तो ये भी कैपिटल होना चाहिए. सो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड माय बड़ा होना चाहिए. बर्थडे इनविटेशन इज ऑन 25th जुलाई. जुलाई का जे बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये नेम ऑफ द मंथ है. हर सभी महीनों के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सभी के नाम कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. ओके बेटा, सो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप. एक लाइन खत्म हो गई. माय बर्थडे इनविटेशन इज ऑन 25th जुलाई. सॉरी, माय बर्थडे इज ऑन 25th जुलाई. मेरा बर्थडे 25 जुलाई को है. फुल स्टॉप. अब रुकेंगे. ठीक है, अब न्यू लाइन है आगे.
कैपिटल लेटर आएगा, प्लीज का पी कैपिटल, प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी, यहाँ पे फुल स्टॉप, ये लाइन यहाँ खत्म हो गई। प्लीज तुम एक वेजिटेबल फेरी बन के आना, मतलब एक ऐसी परी बन के आना, सब्जियों वाली परी, मतलब कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम पहना जिसमें सब्जियों के डिजाइन हो या सब्जियों से भरी पड़ी हो, इस तरह की फेरी। फेरी क्या होती है? परी, ठीक है, गर्ल्स को पता होगा फेरी, उनको बनना अच्छा लगता है ना, तो वेजिटेबल फेरी बन के आने को नेहा ने कहा है अग्नि को। ओके, तो यहाँ फुल स्टॉप आ गया। अगेन, अब फुल स्टॉप के बाद फिर से कैपिटल लेटर आएगा, टी कैपिटल। देयर आर मैनी प्राइजेस, बहुत सारे इनाम होंगे सब बच्चों के लिए, प्राइजेस मतलब इनाम, एंड लॉट्स ऑफ गेम्स, बहुत सारी गेम्स भी हम खेलेंगे, फुल स्टॉप। यहाँ पे ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। अगेन फिर माय का एम कैपिटल, माय मम्मी इज बेकिंग अ बिग केक, मेरी मम्मी एक बड़ा सा केक बेक कर रही हैं, एंड मेकिंग सम यमी स्नैक्स, और कुछ टेस्टी टेस्टी स्नैक्स, मतलब कुछ कुछ खाने की चीजें जैसे पैटी समोसा ये सब भी बना रही है, यमी मतलब टेस्टी, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, स्नैक्स। देन पापा का पी बड़ा, क्योंकि ये न्यू लाइन है, पापा हैज इनवाइटेड अ क्लाउन एज वेल, एज वेल के बाद फुल स्टॉप। पापा ने एक क्लाउन को, क्लाउन क्या होता है? जोकर, ठीक है, क्लाउन क्या होता है? जोकर। पापा हैज इनवाइटेड, पापा ने एक जोकर को भी इनवाइट किया है। वी विल हैव, तो अब ये फुल स्टॉप के बाद क्या होगा? अगेन कैपिटल होगा। वी विल हैव फन टुगेदर, हम एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, फन मतलब मजा करेंगे, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट डी, डू नॉट मिस इट, उसे मिस मत करना, मतलब आना ना भूलना। कभी होता है ना कि कभी कोई हमें इनवाइट करता है, हम बोलते हैं छोड़ो यार नहीं जाते, तो वो बोल रहे हैं कि मिस मत करना, बहुत मजा आएगा, प्लीज जरूर आना। सो नेक्स्ट लाइन, बी देयर एट 5 PM, शाम को पूरे 5 बजे घर आ जाना। लव नेहा, सो दिस इज द वे बर्थडे इनविटेशन इज टू बी रिटन। तो हमने इस पैराग्राफ में पंक्चुएशन किया, फुल स्टॉप्स लगाए जहां जरूरत थी, कैपिटल लेटर्स लिखे जहां जरूरत थी। तो इसी चीज को जब हम ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस को ठीक करके लिखेंगे, दैट इज अ पंक्चुएशन, गॉट इट? ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस वी विल डू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, इट विल बी डन ऑन द बुक ओनली, हम इसे बुक पर ही करेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस। In the blanks, Neha has comprehension on the next page. Comprehension. Neha has sent Avni a. Neha ne kya bheja hai Avni ko? A birthday. Invitation. नेहा ने अवनी को एक बर्थडे इनविटेशन भेजा है। नेहा's बर्थडे वॉज ऑन, कब था नेहा का बर्थडे? 25th जुलाई, जुलाई का जे कैपिटल। अवनी हैड टू ड्रेस अप एज, अवनी को कैसे बन के जाना था? वेजिटेबल फेरी, ये उनकी थीम थी, थीम पार्टी होती है, कभी हम सब एक जैसे मिलते जुलते ड्रेस पहन के जाते हैं उन थीम पार्टीज में, जैसे कि अब नेहा की थीम थी वेजिटेबल फेरी बन के जाना। नेहा's फादर हैड इनवाइटेड अ डैश फॉर द पार्टी, नेहा के पापा ने किसको बुलाया था? क्लाउन को। यस, देयर आर मैनी, क्या क्या था बच्चों के लिए? प्राइजेस एंड गेम्स,
देयर वर मेनी प्राइजेस एंड गेम्स फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत सारी प्राइजेस और गेम्स हमारे बर्थडे में होंगे, यहाँ ने ऐसा लिखा था. ओके चिल्ड्रन, यू गॉट दिस? नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट्स वेरी इजी, यू हैव टू रीराइट एंड पंचुएट इट. डैश फर्स्ट देखिए, अब जैसे कि बहुत सी गलतियां थी नेहा के इनविटेशन में, अब ये इस एक्सरसाइज में भी उल्टा पुल्टा सेंटेंस लिखा है, उसको हमें प्रॉपर तरीके से सीधा सेंस में लिखना है बिकॉज ये सेंसलेस बन रहे हैं. इज माई 25 जुलाई बर्थडे, इज माई कुछ बन रहा है समझ नहीं, बिकॉज ये सब गलत लिखा है. सो माई बर्थडे कैसे होना चाहिए? बर्थडे इज ऑन 25th July. सेकेंड, ड्रेस्ड एज अ फेरी प्लीज कम एज. सो क्या बोला था अभी ने? ऐसा थोड़ी बोला था, उसने कहा था प्लीज कम एज अ वेजिटेबल फेरी. थर्ड, मैनी लॉट्स ऑफ देयर एंड देयर गेम्स प्राइजेस आर. ओहो, ये तो बहुत ही गलत लिखा है. देयर आर मैनी प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ गेम्स फॉर बेकिंग मम्मी माई इज अ बिग केक. ओहो, सो माई मम्मी इज बेकिंग अ बिग केक. माई मम्मी इज बेकिंग अ बिग केक. अ क्लाउन पापा इनवाइटेड एज वेल. सो क्या बोला था पापा ने? पापा हैज इनवाइटेड अ क्लाउन एज वेल. सो दिस इज द बुक वर्क. नाउ यू विल बी डूइंग न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक्स एंड दिस इज फॉर द डे. So goodbye, take care.